हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज फ्रेंड्स हम बताएंगे फ्रंट नेक डिजाइन बोट नेक पर। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमने अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक भी है। तो देखिए, हम कपड़े को पहले अनफोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड अपने अनुसार करना है। तो देखिए, हम नीचे के 1 इंच एक्स्ट्रा पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका लंबाई रखेंगे 14 इंच, क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो पूरा लंबाई है जो 15 इंच हो जाएगा। तो देखिए, इसका शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच और आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंच, क्योंकि ये बोट नेक पर है इसलिए हम आर्म होल है जो 7 इंच पर रखेंगे और शोल्डर भी हम 7 इंच रखेंगे। तो देखिए, इसका चेस्ट है 36 इंच, तो इसका चौथा भाग हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये हम प्रिंसेस कट पर बनाएंगे तो 1/2 इंच वहाँ पर भी मार्क कर लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये फ्रंट नेक है तो हम इसे 1 इंच पर गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 32 इंच कमर है तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच हम प्रिंसेस कट के लिए लेंगे। तो इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नेक विड्थ रखेंगे 4 इंच और एक लंबाई हम 6 इंच पर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लंबाई हम जो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम बोट नेक पर बना रहे हैं तो यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इसे हम एक मार्क 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो देखिए फिर 2 इंच बचा और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। पहले इसे हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने पार्ट को कट कर लिया है। तो इसे हम 2 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान देना है 2 इंच का है, तो इसे हम 1-1 इंच पर मोड़ देंगे। और इसका जो चौड़ाई है हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर आपको सीधे डिजाइन में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए, इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, ये नेक भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रिंस कट जो है कट कर लेंगे। तो इसे हम 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसका चौड़ाई है जो हम 4 इंच पर देंगे और सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हम एक मार्क 6 इंच पर देंगे और इसे सीधे गोलाई में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो 1.5 इंच ही प्रिंस कट के ले लेंगे और एक मार्क हम 2 इंच पर लगा देंगे और इसे सीधे हमको इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1/2 इंच कट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो प्रिंस कट है बहुत ही फिनिशिंग से आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमने ये डिजाइन जो है कट किया है। इसे हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर पूरे में पिनअप कर लिया ताकि जो सिलाई चलाने पर कपड़ा इधर उधर ना खिसक पाए। तो हम पहले डिजाइन पर हम सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे से हम पूरे को सिलाई अटैच कर देंगे।
तो चलिए ऐसे ही इस तरीके से हम पूरे में सिलाई अस्तर और कपड़े पर चला लेंगे ताकि जो कपड़ा है इधर उधर ना खिसक पाए, हम अच्छे से गले को फिनिशिंग से बना पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लिया है। तो इसे हम जो गले का जो कपड़ा हमने निकाला हुआ है उसी को रख के बुकरम पर, दो फोल्ड बुकरम भी है और एक कपड़ा भी जो गले से निकले वो भी दो फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए पहले इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए गले को जो है शेप को कट कर लिया है और उस गले को भी ऐसे ही कपड़े को रख कर, गले वाला जो कपड़ा निकला है उसी को रख के कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम कपड़े पर प्रेस कर लिया है बुकरम को। तो यहाँ पर हम कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा है उसे पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, इसे वो मोन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसे वन फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसे हम सीधे तरफ से कर लेंगे और इस पर रख के हम पहले दोनों तरफ से हमने पिनअप कर लिया ताकि हम इधर उधर ना खिसक पाए, इसलिए हमने पिनअप कर लेती हूँ मैं। आप लोग भी कर लीजिएगा ताकि अच्छे से जो गला है वो फिनिशिंग जाएगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो चलिए हम इसके नीचे नीचे सिलाई अटैच कर लेते हैं। ये सिलाई जो है बुकरम पर नहीं अटैच करना है, उसके नीचे से सिलाई अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पूरे कपड़े को जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस कपड़े को आपको सटा कर नहीं कटना है, हम 1/2 इंच कपड़े को छोड़कर कट करेंगे और इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जो गला है वो फिनिशिंग से आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सीधे साइड में कर लिया है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत जो है नेक निकला है। इस पर हम ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो आपको ये सिलाई है जो फिनिशिंग से चलानी है। तो देखिए हमने सिलाई अटैच कर लिया और गले के लिए जो हमने बुकरम कट किया है वो भी हम अटैच करेंगे।
तुम ऐसे ही बुकरम को अटैच कर लेते हैं गले पर। और इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और इसे अंदर की तरफ से मोड़ के हम सिलाई अटैच कर देंगे। और इसे भी हम ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फिर नेक बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम प्रिंस को जोड़ लेते हैं। तो पहले प्रिंस कट को भी हम अस्तर और कपड़े पर अच्छे से सिलाई अटैच कर देंगे ताकि इधर उधर नहीं खिसक पाए। तो चलिए हम पूरी सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी में सिलाई को अटैच कर दिया है और फ्रिंज को हम जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रिंज, यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग के कि प्रिंसेस कट जो है वो नीचे से ही ज्वाइंट करें, ऊपर से बिल्कुल ज्वाइंट नहीं करना है, क्योंकि जो कपड़ा जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो नीचे के जो पॉइंट है वो कम हो सकते हैं, आपको अच्छे फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए ऊपर से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच सकता है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए वैसे ही दूसरा तरफ भी हम प्रिंसेस कट को जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ज्वाइंट कर लिया है और 1.5 इंच के एक कपड़ा लिया है और नीचे के पार्ट को भी बना लेंगे। तो इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए एक सिलाई हम ऊपर से भी लगाएंगे। और इसे अंदर की तरफ से 1 फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। यदि ये मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।